लेकिन डिलीवर नहीं हो सका। 12 दिसंबर 1935 को मुझे ये लेटर जात पात तोड़क मंडल के सेक्रेटरी संत राम की ओर से मिला, जिसमें लिखा था, माय डियर डॉक्टर साहब, 5 दिसंबर को भेजे गए आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपसे बगैर इजाजत लिए इसे प्रेस रिलीज के लिए भेज दिया है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इसे छपवा देने में कोई नुकसान नहीं है। आप एक महान चिंतक हैं और मेरे ख्याल से कास्ट बेस्ड प्रॉब्लम को लेकर आपसे ज्यादा गहन अध्ययन शायद ही किसी ने किया हो। आपके विचारों से मैं और हमारा मंडल हमेशा ही लाभ लेता रहा है। मैंने इन्हें कई बार क्रांति में एक्सप्लेन किया है और कई कॉन्फ्रेंसों में मैं इनके ऊपर लेक्चर दे चुका हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपके नए फार्मूले की व्याख्या को लेकर चिंतित हूँ, क्योंकि इसके अनुसार धर्मांधता के बिना कास्ट का बंटवारा संभव नहीं है। कृपया इस पर और रोशनी डालने की कृपा करें, ताकि मैं आपके विचारों को मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर सही सही प्रस्तुत कर सकूं। फिलहाल ये मुझे पूरी तरह क्लियर नहीं है। हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी चाहती है कि आप हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष के रूप में शिरकत करें। हम कॉन्फ्रेंस की तिथियां आपकी सुविधा अनुसार बदल सकते हैं। पंजाब के स्वतंत्र हरिजन बड़े दिल से चाहते हैं कि वे आपसे मिलें और अपनी योजनाएं आपके साथ साझा करें। तो यदि आप हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर अध्यक्ष के रूप में लाहौर कॉन्फ्रेंस में पधारें, तो हम आपके आगमन का दोहरा लाभ ले सकते हैं। हम सभी हरिजन नेताओं को भी आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि वो इस मौके का लाभ उठाते हुए आपके विचार जान सकें। मंडल ने इसलिए असिस्टेंट सेक्रेटरी इंदिरा सिंह को आपसे मुंबई में मिलने और सभी परिस्थितियों पर बातचीत करने के लिए नियुक्त किया है, जो आपको सारी चीजें बताएंगे। कृपया आप हमारा ये प्रपोजल एक्सेप्ट करें। जात पात तोड़क मंडल के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक संस्था है जो हिंदू समाज को फिर से एक बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़ रही है और कास्ट सिस्टम में मौजूद बुराई के उन्मूलन के लिए काम करती है। नियमानुसार हिंदुओं को कास्ट के आधार पर अलग करने वाले किसी भी गतिविधि में मैं शामिल नहीं होता, लेकिन सामाजिक ढांचे के बदलाव में ये बात बिल्कुल अलग है और यही सबसे बड़ी कठिनाई है। हमारे विचार इन चीजों को लेकर अलग अलग ना हो, इसलिए मंडल ने मुझे आपसे बात करने और इनवाइट करने के लिए कहा है। मंडल को मुझसे इनकार की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनके एक भरोसेमंद व्यक्ति को पहले ही मुंबई में तैनात कर दिया है। अंततः लाहौर में मंडल के हेडक्वार्टर में होने वाले एनुअल कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने हामी भर दी। कुछ कारणों से कॉन्फ्रेंस टाल दी गई और सन 1936 में मई के महीने के मध्य में ये कॉन्फ्रेंस हुई। मंडल की कमेटी ने कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कॉन्फ्रेंस के कैंसिल होने का नोटिस और जिम्मा मेरे पुराने पते और भाषण पर आया और इस तरह मैं अध्यक्ष के रूप में कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर लोगों के कास्ट सिस्टम को लेकर विचार और समस्याएं सुनने से वंचित रह गया। लोगों को इसके बारे में पता लगा और मैंने अपना पता सुधारने का निर्णय लिया। लोगों को ये जानने के लिए बड़ी उत्सुकता थी कि आखिरकार मैं प्रेसिडेंट के रूप में कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आ पाया। इस सब के पीछे मेरा अपना पता था, सो मैंने अपना पता छपवा कर बाजार में पेश किया और लोगों का संशय मिटाया। मंडल नए भाषणों को लाहौर में छपवाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं माना, क्योंकि मेरी इच्छा मुंबई में छपवाने की थी। मंडल के कई लोगों ने इस बारे में मुझसे संपर्क किया, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगा। 27/3/36, डॉक्टर जी, आपका पत्र संत राम ने हमें दिखाया। हमें ये पढ़कर दुख हुआ। आप यहाँ की परिस्थितियों से वाकिफ नहीं थे। आपके आने की खबर सुनकर पंजाब के लगभग सभी हिंदू यहाँ मौजूद थे और वो आपके पंजाब प्रांत में आने के खिलाफ थे। जात पात तोड़क मंडल ने इतनी आलोचना कभी नहीं सही। अच्छा लगा।